सो हे गाइस, ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आ गया और ये दिखने में एकदम बवाल है और मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसका ट्रेलर हमें बहुत कुछ बताती है, जैसे कि रणवीर कपूर डीजे हैं, अमिताभ बच्चन गुरु, नागार्जुन आर्टिस्ट और मौनी राय द क्वीन ऑफ डार्कनेस। और अगर तुम्हें धर्म शास्त्र और मेथोलॉजी इन सब में इंटरेस्ट है तो तुम्हें पता होगा कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट हिंदू पुराण से लिया गया है और इसीलिए आज हम इनके डिटेल्स में जाएंगे। तो ट्रेलर शुरू होते हैं अमिताभ बच्चन से, जो बताते हैं कि इस यूनिवर्स में जितने भी तत्व हैं उसमें हर एक का वेपन होता है। इतना ही नहीं, इस मूवी में जितने भी एक्टर्स होने वाले हैं उन सबके पास एक एलिमेंट्स का फुल पोटेंशियल होने वाला है। अब इस मूवी में इतने सारे वेपन्स पावर हीरो होंगे कि इसे छीनने या चुराने के लिए किसी ना किसी को तो होना ही पड़ेगा, जिसके लिए मौनी राय का कैरेक्टर है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में कौन कौन से अस्त्र को दिखाया जाएगा। अग्नि अस्त्र, तो अग्नि अस्त्र वो अस्त्र है जिसके देवता है अग्निदेव। इसकी खासियत ये है कि ये ऐसा आग बनाती है जिसको शांत करना एकदम नामुमकिन है और इसी का लीडर है शिवा। वरुण अस्त्र, तो इस अस्त्र के देवता है द गॉड ऑफ वाटर वरुण देव। इस अस्त्र की खासियत ये है कि इस अस्त्र के कंट्रोल करने वाले को पानी पर कंट्रोल होता है और इतना ही नहीं, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये अग्नि को भी कंट्रोल कर सकता है और ये ट्रेलर में भी दिखाया गया है। वायु अस्त्र, इस अस्त्र के देवता है वायुदेव। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये बस एक बार में ही थैनोस की पूरी आर्मी को फेंक सकता है। काश ये अस्त्र अपने एवेंजर्स के पास होता। खैर, ब्रह्मास्त्र, इस अस्त्र के देवता है ब्रह्मदेव द गॉड ऑफ क्रिएशन और इसका वेपन है मास ऑफ डिस्ट्रक्शन और इसका तो किसी के पास नहीं है। ये अस्त्र किसी को ऐसी नहीं मिलती बल्कि कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद मिलती है और ये जिसे भी मिलता है वो पर्सन अपनी लाइफ में बस एक बार ही इसका यूज कर सकता है और अगर इसे सही से यूज नहीं किया गया तो ये पूरी दुनिया को बस एक बार में ही नष्ट करने का पावर रखती है और इसे एक बार चलाने के बाद ये रोका नहीं जा सकता। इस मूवी में और भी वेपन्स होने वाले हैं जैसे नाग अस्त्र, नारायण अस्त्र, शक्ति अस्त्र, सूर्य अस्त्र और भी बहुत सारे। तो ये थी कुछ ऐसे अस्त्र जो हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। तुम्हें ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन गुड बाय।